हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो हमारा ये इन्वर्टर कंप्रेसर के ऊपर है, तो हम आपको बताएंगे इसे किस तरह से टेस्ट करना है। जब कभी भी आप कहीं साइट पे जाते हो तो दिक्कत हो जाती है कि फॉल्ट पीसीबी में है या कंप्रेसर में है, तो हमारे पास इस तरह के पीसीबी रहेगा एक। आप ये हमारे पास है सैमसंग का सिंगल डोर पीसीबी है, ये डबल डोर है। ये मैंने सिर्फ बताने के लिए आपको बताया है, दिखाने के लिए। एक्चुअली इसको यूज़ नहीं करना है आपको। डबल डोर में क्या होता है, इसमें बगल में और एक पीसीबी होता है, तो वहाँ से इसमें सिग्नल आता है तभी कंप्रेसर ऑन होता है, तो ये यूज़ नहीं करना है हमें। सिंगल डोर और डबल डोर का पीसीबी पहचानना है तो इसमें बड़े कैपेसिटर होते हैं, ज़्यादा UF के, और जो सिंगल डोर का उसमें कम वाला होता है। तो आप पीसीबी डबल डोर या सिंगल डोर कंप्रेसर चेक करने में यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैं बगल में रख देता हूँ। तो हमें इस तरह का एक पीसीबी चाहिए, सैमसंग का, देख सकते हैं, सिंगल डोर का लेना है आपको। और इसे किसी भी प्लास्टिक में फिट कर देना है, वो बाद में बताऊँ मैं आपको। और आपको एक चाहिए एक पावर कॉर्ड, उसमें इस तरह के दो पिन आपको लगाना पड़ेगा। जो पिन इसमें लगेगा, जो इनपुट सप्लाई में लगेगा, इधर ये दो पिन दिख रहे हैं ना, ये दो पिन इनपुट न्यूट्रल फेस है और ये तीन पिन है कंप्रेसर के। तो एक वायर जो पावर कॉर्ड है, ये एक चाहिए आपको। और आपको एक इस तरह का एक वायर चाहिए, ये मेरे पास एक्स्ट्रा है तो आपको बता रहा हूँ मैं। ये आपको ओल्ड कंप्रेसर के शॉप में जो कंप्रेसर रिपेयर करते हैं उनके पास मिल जाएगा। ये तीन पिन जो अंदर से वाइंडिंग से कंप्रेसर पर लगता है, इस तरह से वायर जॉइंट कर लीजिए, तीन वायर। तो ये जो तीन वायर हैं, इस तरह से इस पर जॉइंट कर लेना है। और इसमें ऐसा वाला एक कनेक्टर लगा सकते हैं, तीन पिन, ये भी आपको कनेक्टर्स मिल जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक शॉप में। ये थ्री पिन वाला कनेक्टर है, ये कनेक्टर एक कंप्रेसर पे जाएगा, एक सॉरी कंप्रेसर का जो पॉइंट है उस पर जाएगा, ये जो तीन पिन वाला है। तो एक्चुअली ये मैंने बना के रखा हूँ, ये बाद में फिर कभी बनाऊँगा। मेरे पास एक्चुअली एक रेडीमेड है ये, जो दूसरे फ्रिज से निकाला था। तो और एक बार बताता हूँ, जो आप ये बनाओगे तो आप इसमें जो ये तो तीन पिन इसमें आप लगाओगे, तो कोई भी वायर आप कहीं भी लगा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि जैसा कॉमन उधर लगाना है, स्टार्ट वहाँ लगाना है, कोई वायर कहीं भी लगा सकते हैं, कंप्रेसर आपका चालू होगा, ठीक है। एक ही होते थ्री फेस होता है, इसमें कोई भी फेस कहीं भी लगा सकते हैं। तो पहला इसका पावर कॉर्ड का सप्लाई लगाते हैं इसमें न्यूट्रल फेस में बोर्ड पे, और एक कंप्रेसर का ये तीन पिन वाला कनेक्टर लगाते हैं, और इसका दूसरा जो रहेगा कंप्रेसर टर्मिनल पर लगाएंगे। ठीक है, तो अब इसे हम स्टार्ट करेंगे। अब इसमें आपको लाइट दिखेगी, ऑन करते हैं, अभी ऑन नहीं किया है ऑन। ठीक है, तो आपको कम से कम एक मिनट या डेढ़ मिनट तक ठहरना पड़ेगा कंप्रेसर स्टार्ट होने के लिए। तो जैसे कंप्रेसर स्टार्ट होगा तो ये लाइट ग्लो होगा, इसका LED मतलब सप्लाई चली गई कंप्रेसर पे। अभी दो मिनट ठहरते हैं। तो देख सकते हैं LED जल गया है और कंप्रेसर भी शुरू हो गया है, देख सकते हैं पंपिंग का एयर आ रहा है। अगर आपका कंप्रेसर में कोई फॉल्ट रहेगा तो ये LED ब्लिंक करते रहेगा, एरर बताएगा, ब्लिंकिंग एरर। अगर आपका कंप्रेसर सही रहेगा तो LED ग्लो करेगा और कंप्रेसर चालू होगा। और फिर से बोलता हूँ, अगर आपका कंप्रेसर फ्रिज का ख़राब रहेगा तो LED ब्लिंकिंग करते रहेगा तीन चार टाइम्स, जो एरर होंगे उसके। तो अभी जब कंप्रेसर सही रहेगा तो ये LED ग्लो होते रहेगा और कंप्रेसर पर सप्लाई आते रहेगा और ये चलते रहेगा। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। आपने इस वीडियो में देखा कि हमने किस तरह से कंप्रेसर टेस्टिंग का ये बनाया है PCB से। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।